हेलो भाई, मैं हूँ प्रफुल्ल धाकड़ और आज हम देखने वाले हैं मारुति सुजुकी सेलेरियो। ये ZXI वेरिएंट है, सेकंड टॉप वेरिएंट है। इसकी प्राइस है 5,94,000, यानी ऑलमोस्ट 6 लाख रुपए। एक शोरूम प्राइस है, अगर आप CNG लोगे तो इसमें 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। कोई भी आप मारुति गाड़ी ले लो, उसमें आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा दोगे तो आपको CNG वेरियंट मिल जाएगा। की लेंथ है 3695 mm की। सेलेरियो की विड्थ है 1655 mm की। हाइट है 1515 mm की और इसका व्हील बेस है 2435 mm का। आपकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है 165/70R 14 inch के स्टील व्हील मिल जाएंगे व्हील कवर के साथ। फ्यूल टैंक कैपेसिटी 32 लीटर्स की है। टर्निंग रेडियस 4.7 मीटर्स का है। वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 2 साल 40,000 किलोमीटर की वारंटी मारुति सेलेरियो पर देती है। वेट की बात करें तो इसमें आपको 800 किलो का वेट मिल जाता है। ये है हेलोजन हेडलैम्प, इंडिकेटर, फॉग लैम्प नहीं मिलेंगे इस वेरियंट में। क्रोम लाइन है ग्रिल के ऊपर, मारुति का लोगो है, ऐसा कुछ उसका लुक मिलता है। वाइपर्स हैं, एंटेना है, बॉडी कलर ORVM है टर्न इंडिकेटर के साथ। बॉडी कलर डोर हैंडल्स हैं। रियर प्रोफाइल की बात करें तो इसमें आपको हेलोजन टेल लैंप मिल जाता है रिवर्स लैंप इंडिकेटर के साथ। दो रिवर्स सेंसर्स हैं, मारुति का लोगो, सेलेरियो की बैजिंग आपको मिल जाता है। वॉशर, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप, एंटेना है, इधर वॉशर है, रिफ्लेक्टर्स हैं, ऐसा कुछ आपको। फुल टैंक मिल जाता है इसका। ये एग्जॉस्ट, ये फ्यूल लिड है। ये अंदर बैठ के देखते हैं, ऐसी कुछ आपको की मिल जाती है। रिमोट की है, लॉक एंड लॉक करने का बटन। ये है सिल्वर फिनिश में डोर हैंडल्स, इधर थोड़ी स्पेस है। ये सारा आर्ट प्लास्टिक है। 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी स्पेस, इधर स्पीकर है। फ्यूल लिड करने का बटन है। सीट एडजस्टमेंट है। टायर प्रेशर इंफॉर्मेशन, इधर सेंसर से डोर का। ये इंजन स्टार्ट स्टॉप, ORVM के कंट्रोल्स हैं। गाड़ी को टर्न ऑन कर लेते हैं। इस इवेंट पर सिल्वर फिनिश है। डोर को बंद कर लेते हैं, रिमाइंडर बजता रहता है, इसको ऑन कर लेते हैं। ये है 4-spoke स्टेयरिंग व्हील। ये इंफोटेनमेंट कंट्रोल, वॉइस मोड्स वगैरह, म्यूट का कंट्रोल, एयरबैग की बैजिंग, मारुति का लोगो। ये सिल्वर फिनिश में स्टेयरिंग है। टिकट होल्डर का सनवाइज़र, इधर आपको मिरर मिल जाएगा सनवाइज़र में। रीडिंग लैंप है, इधर आपको डेना टायर भी मिल जाता है। ये है वाइपर के कंट्रोल, लाइट के कंट्रोल। ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको डिजिटल मीटर में आपको टैकोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर 180 तक मार्किंग, इधर सारे अलर्ट्स पता चलते हैं। इधर से आप इंजन स्टार्ट स्टॉप ऑन करोगे तो आपको मिल जाएगा इधर रिमाइंडर, सीट बेल्ट रिमाइंडर, बाकी सब रिमाइंडर्स मिल जाते हैं। लो फ्यूल वार्निंग भी मिलती है इसमें आपको। इधर से आप कंट्रोल कर सकते हो ट्रिप ए, ट्रिप बी, रेंज, डिस्टेंस टू MT, एवरेज। नीचे आपको फ्यूल गेज मिल जाता है। ये है इंफोटेनमेंट, इधर आपको अलर्ट्स पता चल जाते हैं। लो फ्यूल वार्निंग बता रहा है अभी। इधर मोड्स वगैरह, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, वॉल्यूम के कंट्रोल, इधर ट्यून के कंट्रोल्स हैं। लॉक अनलॉक करने का बटन है। ये पावर विंडो कंट्रोल्स हैं। बाकी इधर बीच में हैजार्ड लाइट का बटन है। ये पावर विंडो लॉक करने का बटन है। ये सी वेंट्स हैं,
मोड्स हैं, इधर टेम्परेचर कंट्रोल से एसी का बटन है, डिफोगर का बटन है, इधर आपको 12V का पोर्ट मिल जाएगा, इधर ऑक्स यूएसबी आपको इधर मिल जाते हैं। इसको बंद कर देते हैं। एसी वेंट में सिल्वर फिनिश मिल जाती है, ऐसी कुछ डिज़ाइन मिल जाती है इसमें आपको। एयरबैग की बैजिंग है इधर पर भी, इधर थोड़ी स्पेस है। दो बोतल होल्डर, जो है 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, ये पेडल्स, मैनुअल हैंड ब्रेक, रियर पावर विंडो मिल जाती है इधर। एसी ग्लोब बॉक्स, काफ़ी बड़ा ग्लोब बॉक्स मिल जाता है इसमें आपको। इधर भी एसी वेंट है, सिल्वर फिनिश इसके ऊपर है, ये सिल्वर डोन हैंडल, थोड़ी स्पेस, बॉटल होल्डर, फैब्रिक सीट्स हैं, कुशनिंग भी ठीक है। बाकी ये मैं अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। इस गाड़ी में थोड़ा अंडर थाई सपोर्ट बढ़िया नहीं है, चलो तो मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लिया। पीछे चलते हैं और स्पेस देखते हैं। मेन चीज़ तो स्पेस है, अगर आपको कम बजट में कोई गाड़ी चाहिए, आपको ऑलमोस्ट 6 लाख इसकी एक शोरूम प्राइस मिल जाती है। फिर चाइल्ड लॉक, सिल्वर डोर हैंडल, बॉटल होल्डर, स्पीकर है इधर, बेस है, थोड़ी स्पेस मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा स्पेस वगैरह मिल सक मिल जाएगा इसमें। सीट थोड़ी छोटी हैं, थोड़ी और बड़ी हो सकती थी, तो स्पेस तो है ठीक है। इधर पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, ऐसा कुछ दिखता है। फ्रंट का डैशबोर्ड 60-40 स्प्लिट आपको सीट मिल जाती हैं। बाकी इधर भी थोड़ी स्पेस मिल जाएगी ठीक है। वैसे आपको बजट के हिसाब से सेगमेंट में अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। इधर आपको पार्सल टेप मिल जाएगी, सीट बेल्ट्स हैं इधर पे, सीट के पीछे पॉकेट्स नहीं मिलेंगे इसमें आपको। ये ZXi वेरिएंट है ना, तो गियर की बात करें तो इधर से आपको बूट ओपन होगा, यहाँ आपको मिलेगी 313 लीटर की बूट स्पेस। इधर आपको कोई लैंप नहीं मिलेगा और हुक भी नहीं है इसमें। इधर आपको टूल किट वगैरह ये सब मिल जाता है, ये आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है गाड़ी का, टायर पंचर वगैरह है तो। इसको ओपन करें तो यहाँ आपको मिलेगा स्टील रैम। इसकी प्रोफाइल की बात करें 165/70 R14 इंच के, इसमें आपको स्क्वायर व्हील मिल जाता है, यहाँ आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। स्टड्स हैं हाइड्रोलिक, रियर वाइपर डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प। बोनट ओपन करके देखते हैं, इधर से आप लाइट के लेवल एडजस्ट वगैरह कर सकते हो। इधर से वो बोनट ओपन, तो ये है 1.1 लीटर का पेट्रोल इंजन, 66 BHP पावर, 89 Nm ऑफ टॉर्क, 27 का माइलेज मिलेगा 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। आपको इंसुलेंस वगैरह कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि मारुति का इंजन वैसे ही बहुत साइलेंट होता है। आपको फ्यूज़ बॉक्स मिल जाएगा, सब चीज़ें इंजन प्रोटेक्शन गार्ड इसमें आपको अवेलेबल नहीं किया जाता। तो यही थी मारुति सेलेरियो। वीडियो देखने के लिए आप धन्यवाद, थैंक यू सो मच।